बैतूल जिले की भैंसदेही नगर के उमालोन में सकल व्यापारी संघ भैंसदेही की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सकल व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष विठल राव धुले ने मां सरस्वती जी की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात जिसमें पिछले कई वर्षों से संचालित हो रही व्यापारी संघ की समिति को बंद कर नई समिति का गठन किया गया। सर्वसम्मति से इस बैठक में व्यापारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति नजर आई और सर्वसम्मति से सकल व्यापारी समिति के सभी पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तथा मास्क लगाकर एवं सैनिटाइजर इसका उपयोग भी किया एवं जो व्यापारी मास्क लगाकर नहीं आया उन्हें पुरानी समिति के द्वारा मास्क भी दिए गए और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए कहा गया। संचालित पिछले 10 वर्षों सकल व्यापारी संघ को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, साथ ही नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। नवीन कार्यकारिणी के गठन के दौरान राजू पानकर को सकल व्यापारी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष अनिल मालवीय, आनंद राठौर, परवेज काबरा को बनाया गया है। वही सचिव अंकित राठौर, सहसचिव पंकज नरवरे, कोषाध्यक्ष ककुजी अमरुते नियुक्त हुए हैं। सभी नवीन पदस्थों का व्यापारी संघ भैंसदेही स्वागत किया है, साथ ही सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित की है। नाम है आपका? संजय सोनी। क्या बताना चाहेंगे आप नए अध्यक्ष के बारे में और पुराने अध्यक्ष के बारे में? जो पुराना संगठन था ये संदेह उन्होंने विगत 10-15 सालों से निर्बाध रूप से काम किया। हमारे व्यापारी मंडल को उन्होंने अपना जो अमूल्य सहयोग दिया वो अतुलनीय सराहनीय है और मैं उसको इन काम के लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। लगभग जो पुराने अध्यक्ष थे जी, बताइए आपका क्या नाम है? आप व्यापारी संघ भैंसदेही के नए अध्यक्ष बने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों का धन्यवाद जो मुझे संगठन में अध्यक्ष पद निर्वाचित किया। सभी व्यापारियों के सहयोग से मैं अध्यक्ष बना। सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष चुना गया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं। और अब जो नई कार्यकारिणी मिली है, तो क्या आप छोटे व्यापारी जो छोटे छोटे हैं या बड़े, उनकी हर समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे? सभी व्यापारियों के सहयोग से मैं इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। मतलब पहले देखा गया है कि जैसे पांठेले वाले व्यापारी है, चाय वाले व्यापारी है, इस संगठन से नहीं जुड़े गए थे, लेकिन अब यह जो एकल संगठन बनाया गया है तो उन लोगों को भी जोड़ा है, तो क्या आप उनका भी मार्गदर्शन करेंगे? सभी व्यापारियों, पांठेला हुआ, चाय हुआ, इनके सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। आपका क्या नाम है? विठल राव धुले। आप वर्तमान या भूतपूर्व अध्यक्ष? अध्यक्ष। आपके कार्यकारिणी में इतना अच्छा कार्यकाल बीता, आप 10 साल से व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, तो आप उसमें कुछ मार्गदर्शन या कुछ कहना चाहेंगे? मार्गदर्शन तो किया है, सभी व्यापारियों को सहयोग किया है, लेकिन क्या है कि आजकल युवा व्यापारी है वो सम्मान पूर्वक वो नहीं करते, इसलिए मैं अपनी इच्छा से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी 2-3 बार इस्तीफा दिया, लेकिन व्यापारियों ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। और नई बॉडी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, नए लोग दिए हैं, युवा वर्ग दिया है, युवा वर्ग को ही दौड़ धूप कर सकते हैं। अब मेरी उम्र 65 वर्ष की हो चुकी है और अब अपने से काम नहीं होता है, इसलिए मैंने इस्तीफा देकर नए युवा वर्ग को गठन के लिए मांगे। और ये जो पार्टी गठित हुई है ये बहुत अच्छा हुआ, तो नवयुवक लोग आगे आए। समय समय पे क्या आप इन जो नई कार्यकारिणी बनी है अध्यक्ष बने हैं? अध्यक्ष मंडल में रख लिया है जी, तो थोड़ी सी जानकारी तो देना ही पड़ेगा जी। आपके मार्गदर्शन में इनका हमेशा आपके ऊपर इनका वो बना रहेगा, आशीर्वाद देगा, बना रहेगा। आधी रात को भी अगर वो आते हैं तो सहयोग मिलेगा,